हेलो सुपर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो अब तक जिसको मूवी देखनी होगी उसने देखी ली होगी, तो इसीलिए अब इन्फिनिटी वॉर की बातें खुले में कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई बच गया हो तो आप पहले मूवी देख लो, उसके बाद ये सारे वीडियोस यहाँ कर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में 4-5 स्पॉयलर्स हो सकते हैं मूवी से रिलेटेड। तो स्पॉयलर वार्निंग के बाद आते हैं आज के वीडियो पर, जहाँ हम लोग इन्फिनिटी वॉर के टॉप 5 इमोशनल मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ, कोई रोएगा नहीं। बैंगनी थैनोस की हरी भरी बेटी गमोरा इन्फिनिटी वॉर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी। थैनोस के साथ उसका रिलेशन भी काफ़ी इमोशनल था, और इसकी एक बहुत तगड़ी झलक हमें तब देखने को मिली जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स कलेक्टर के पास जाते हैं, जहां गमोरा को लगता है कि उसने थैनोस को मार दिया है। भले ही इस मोमेंट को थैनोस ने रियलिटी से चेंज कर दिया हो, लेकिन गमोरा के एक्सप्रेशंस ने उस सीन को काफ़ी इमोशनल बना दिया। और इसके अलावा जब सोल स्टोन के लिए वॉर्मिर में थैनोस ने गमोरा को सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी काफ़ी इमोशनल सीन था। लोगों की पॉकेट में रॉकेट होता है, लेकिन विजन के तो सर पे ही बॉम्ब लगा हुआ था, यानी कि माइंड स्टोन। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का विजन इतना फेवरेट कैरेक्टर ना हो, लेकिन केवल एक चमकीले पत्थर के लिए 2 बार बेरहमी से मार दिया जाना किसी को भी इमोशनल कर सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो हुआ ये था कि जब थैनोस वकांडा आ गया तो स्कारलेट विच ने माइंड स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे विजन मर गया। लेकिन थैनोस ने टाइम स्टोन यूज करके विजन को फिर से जिंदा किया और माइंड स्टोन नोच कर फिर से मार दिया। जिस हीरो के इन्फिनिटी वॉर में मरने को लेकर फैंस सबसे ज़्यादा डर रहे थे, वो था आयरन मैन। और मूवी के सेकेंड हाफ में एक मोमेंट ऐसा आया भी जब ज़्यादातर फैंस की हार्ट बीट्स काफ़ी तेज़ हो गईं, क्योंकि थैनोस और आयरन मैन के बीच टाइटन पर एक शानदार फाइट सीक्वेंस चल रहा था। लेकिन तभी थैनोस ने आयरन मैन के आर्मर का एक टुकड़ा उसकी बॉडी के ही आर पार कर दिया, और सबको ये लगा कि शायद अब आयरन मैन मरने ही वाला है, क्योंकि थैनोस अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट उसकी तरफ किए हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन भला और डॉक्टर साहब का, जो उन्होंने टोनी की जान के बदले टाइम स्टोन का सौदा कर लिया। गॉड ऑफ मिस्चीफ यानी लोकी किसी भी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेगा या फिर किसका साथ देगा, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मूवी की शुरुआत में जब थॉर को थैनोस मारने ही वाला था, तो लोकी के अंदर का भ्रातृ प्रेम जाग गया और उसने स्पेस स्टोन थैनोस को दे दिया। लेकिन उसने मौका मिलते ही थैनोस को मारने की भी कोशिश की, पर थैनोस ने उसे बड़ी बुरी तरह से मार दिया। अब लोकी का मरना एक इमोशनल मोमेंट इसलिए भी था, क्योंकि भले ही शुरुआत में वो एक विलेन की तरह दिखाया गया हो, पर बाद में मार्वल ने उसके कैरेक्टर में काफ़ी चेंजेस किए, जो चाहे कोई भी चाल चल ले पर लास्ट में अपने भाई थॉर और एसगार्ड का ही साथ देता था। इसी वजह से फैंस के बीच लोकी काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हो गया था, और जब थैनोस ने उसे मारा तो फैंस के बीच काफ़ी इमोशनल मोमेंट बन गया। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग जितनी शॉकिंग थी, उतनी ही ज़्यादा इमोशनल भी, क्योंकि इसके क्लाइमेक्स में 11 हीरोज मर गए, जिनमें से कुछ अनएक्सपेक्टेड थे। और जब ब्लैक पैंथर वकांडा में मरा तो ओकोए की फीलिंग्स, और दूसरी तरफ टाइटन पर जब स्पाइडरमैन मरा तो सबसे भयानक मोमेंट था, क्योंकि वो अपने मेंटोर टोनी स्टार्क के गले लगकर रोने लगा और टोनी भी काफ़ी परेशान हो गया। पर्सनली मेरे लिए भी ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे अकॉर्डिंग इन्फिनिटी वॉर के टॉप 5 सैड एंड इमोशनल मोमेंट्स। अब आपको किसने सबसे ज़्यादा इमोशनल किया कमेंट करें, और लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को, और हमें फॉलो करें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और गूगल प्लस पर। और हाँ, जो लोग इन्फिनिटी वॉर में हॉकाई और एंड पैन को ढूंढ रहे थे, तो उनकी खुफिया यानी सीक्रेट क्लिप मिली है मुझे, आप लोग उसे देखिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। First off, I'm a big fan.